हे गाइस, आज के वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप दुनिया की पॉपुलर स्पोर्ट जैसे फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड रग्बी को डीपली देखोगे ना, तो आपको देखने को मिलता है फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप के साथ साथ फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होता है एंड फीफा बेसबॉल वर्ल्ड कप भी होता है। एंड ऐसा सेम चीज ही बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, रग्बी में भी हमें देखने को मिलता है। बास्केटबॉल में नॉर्मल वर्ल्ड कप के साथ साथ 3x3 बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप भी होता है। हॉकी में नॉर्मल वर्ल्ड कप के साथ साथ हॉकी 5S वर्ल्ड कप, इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप भी हमें देखने को मिलता है। एंड ऐसा सेम चीज ही बाकी के स्पोर्ट्स में भी हमें देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करें क्या ऐसा सेम चीज हमें क्रिकेट में भी देखने को मिलता है, तो शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का आंसर होगा यस, कि देखो क्रिकेट में भी हमें सेम चीज देखने को मिलता है। क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप होता है, ODI वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होता है एंड चैंपियंस ट्रॉफी भी होता है। बट देखो, मैं मानता हूँ कि क्रिकेट में हमें अलग अलग चैंपियनशिप देखने को मिलते हैं, बट स्टिल क्रिकेट अपने आप को एक्सपांड नहीं कर रहा है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको मैं सीधा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 3x3 बास्केटबॉल एक्चुअली में देखे ना, तो ये तो बासकेटबॉल का ही तो एक शॉर्टर वर्शन है। हॉकी 5S एक्चुअली में हॉकी का ही तो शॉर्टर वर्शन है। रग्बी 7S ये भी सेम ही रग्बी का एक शॉर्टर वर्शन है, सेम ही। और ODI क्रिकेट का शॉर्टर वर्शन T20 क्रिकेट है। बट इसके बावजूद भी व्हाई क्रिकेट इज नॉट एक्सपांडिंग, चले जानते। देखो, दिस इज नॉट अबाउट द स्पोर्ट्स फॉर्मेट, दिस इज अबाउट द सब कैटेगरीज ऑफ द स्पोर्ट। बट ये सब कैटेगरीज क्या होता है एंड फॉर्मेट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो मैं आपको फुटबॉल का एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो सब कैटेगरीज का मतलब होता है जैसे कि फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप होता है, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है एंड फीफा बीच सॉकर वर्ल्ड कप भी होता है। अगर आप तीनों कैटेगरीज को देखोगे ना एक साथ, तो तीनों कैटेगरीज का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है तो बहुत ही अलग है। एंड ये तीनों फॉर्मेट का जो सिमिलरिटीज है ना, वो आपको कम देखने को मिलता है, डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप एक फ्रेम में फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप एंड बीच सॉकर वर्ल्ड कप को रखोगे ना, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि तीनों स्पोर्ट्स में डिफरेंस ज्यादा है, इसकी वजह से वो कैटेगरीज बन जाता है एक स्पोर्ट का, ना कि फॉर्मेट। एंड दूसरी ओर क्रिकेट की हम बात करें ना, तो क्रिकेट में भी देखो हमें तीन फॉर्मेट देखने को मिलते हैं, टेस्ट, ODI एंड T20। अगर आप तीनों फॉर्मेट को एक साथ रखोगे ना, तो आपको देखने को मिलता है कि जो तीनों फॉर्मेट के बीच में सिमिलरिटीज ज्यादा है एंड डिफरेंस बहुत ही कम है। मतलब कि सेम प्लेयर ही टेस्ट खेलते हैं, ODI खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं। मेरा कहने का मतलब समझ चुके हो, मतलब कि सिमिलरिटीज बहुत ही ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है। इसके वजह से एक स्पोर्ट जो है वो कैटेगरीज नहीं बन पाता है एंड ओनली फॉर्मेट बन के रह जाता है। शायद आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई स्पोर्ट्स आर एक्सपांडिंग। देखो, बात बहुत ही सिंपल है, मैं आपको हॉकी का एग्जांपल देके समझाता हूँ, हॉकी एशिया की एग्जांपल देके समझाता हूँ। हॉकी स्पेशली एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, साउथ कोरिया में ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप हॉकी को मिडिल ईस्ट में जाके ढूंढोगे, तो मिडिल ईस्ट में हॉकी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जैसे गल्फ कंट्रीज में हॉकी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। बट दूसरी ओर अगर आप इंडोर हॉकी को देखोगे ना, इंडोर हॉकी मिडिल ईस्ट में ज्यादा पॉपुलर है एंड साउथ ईस्ट एशिया, जापान, साउथ कोरिया में पॉपुलर ज्यादा नहीं है। मतलब सब कैटेगरी से एक परमिशन देता है आपको कि आपने एक स्पोर्ट्स को लिमिट से ज्यादा आगे जाने को एक लिमिट देता है। एंड स्पोर्ट्स का एक्सपेंड करने का एक और रीजन जो मुझे लगता है, वो है ओलंपिक्स। देखो, बात को ध्यान से सुनो, ओलंपिक्स में इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स है उसमें मेडल ज्यादा देखने को हमें मिलता है इंस्टेड ऑफ द टीम इवेंट्स। एक टीम को बिल्ड करने के लिए आपको 11 मेंबर्स की जरूरत होता है एंड इसके साथ साथ बहुत सारा मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है एक टीम के लिए। एंड एक टीम ओलंपिक में एक मेडल के लिए पार्टिसिपेट करता है। एंड दूसरी ओर अगर हम इंडिविजुअल में देखेंगे ना, अगर हम सेम मनी लेकर 11 इंडिविजुअल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, तो वो 11 इंडिविजुअल 11 मेडल जीत सकता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टीम इवेंट एंड द इंडिविजुअल इवेंट। एंड इसके वजह से जो ओलंपिक जैसा स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाता है एंड दूसरी ओर टीम इवेंट्स का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए किसी भी स्पोर्ट्स अपने स्पोर्ट्स को धीरे धीरे एक्सपांड कर रहा है। तो शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि छोटे से छोटे इशू भी स्पोर्ट्स में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स में भी ना हमको डिफरेंस डिफरेंस फॉर्मेट नहीं, मैं डिफरेंस डिफरेंस कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लाइक इंडोर क्रिकेट, क्रिकेट स्पोर्ट एंड क्रिकेट 7S जैसे जो हाल ही के टाइम में अभी पॉपुलर होने लगा है, हमें इनको ज्यादा इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्रिकेट में। बट ऐसा भी नहीं है कि क्रिकेट में अभी तक कोई भी कैटेगरीज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। बट आज से लगभग 20 साल पहले इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था एंड इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी भी टाइम में भी खेला जाता है। जो शुरू किया था वर्ल्ड इंडोर क्रिकेट फेडरेशन ने स्टार्ट किया था इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप को, बट इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट अभी के टाइम में भी नहीं बन पाया। एंड शायद आपको भी
इंडोर क्रिकेट के बारे में आज ही पता चला होगा, बिकॉज ऑफ आईसीसी ने कभी भी इंडोर क्रिकेट स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। एंड जो इंडोर क्रिकेट शुरू हुआ था वो आईसीसी ने स्टार्ट नहीं किया था, वो WICF ने स्टार्ट किया था। तो मुझे लगता है गाइस आईसीसी को अपने आप को एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर बहुत ही एनिमस होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आईसीसी को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्रिकेट में। सो क्या है आपका ओपिनियन इस टॉपिक से? मुझे तो देखो, मेरे ओपिनियन की बात करें तो यस, क्रिकेट में भी बहुत सारी कैटेगरीज होना चाहिए, क्योंकि एक वर्ल्ड स्पोर्ट्स है। एंड बहुत सारी कैटेगरीज होने का मतलब है कि वो कोने कोने पे भी जा सकता है क्रिकेट। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो हैव अ ग्रेट डे गाइस, एंड वीडियो को प्लीज शेयर करना।